नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज। मैं सोमेन, आज हम चाय पे चर्चा करने निकले हुए हैं। आज हमारे रडार का मुद्दा ये है कि जो यूपी की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, जिसमें मायावती और मुलायम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो वाकई में जनता इसको किस नज़रिए से देखती है, आइए जानते हैं जनता की राय जनता से। सर आपका नाम? अजय प्रकाश। अजय जी, ये बताइए कि जैसा आज देखने को मिला, माया और मुलायम जो कि आपके घोर दुश्मन माने जाते थे, वो आज एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो इस राजनीति को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये भाई साहब स्वार्थ की राजनीति है। ये लोग स्वार्थ, इनके एक मतलब आपस में इन्होंने इनके स्वार्थ आपस में एक हो गए, तो स्वार्थ की राजनीति। तो इस गठबंधन के बारे में और आप क्या सोचते हैं? ये क्षेत्रीय स्तर के गठबंधन, इससे जनता का भला नहीं होगा। ये राष्ट्रीय स्तर के कोई इनकी सोच ही नहीं जी। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है गठबंधन फेल होने वाला है? पूरी तरह फेल होगा। इनके अपने स्वार्थ हैं, अपने स्वार्थ जुड़े हैं ना सबके, राष्ट्रीय भावना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक बर्नवाल है। अच्छा, तो सर ये बताइए कि वर्तमान की जो राजनीति है, ये कितनी तेजी से बदल रही है, इसमें जनता क्या सोचती है? जैसे आज ही हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि माया मुलायम जो कि घनघोर विरोधी माने जाते थे, और आज एक मंच में एक साथ दिखते हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, एक दूसरे के लिए वोट मांगते हैं, तो इन बातों को लेकर जनता क्या सोचती है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि अच्छी बात है, लोकतंत्र में सभी साथ आके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो राष्ट्र के विकास के लिए चुनाव लड़िए, अपने विकास के व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं लड़िए। जो लोग मंच पर साझा किए हैं आज से 30 साल पहले की, उनकी संपत्ति उठा के देख ली जाए और आज की उठा के देख ली जाए तो हजारों करोड़ रुपए का फर्क है। अगर एक मुख्यमंत्री की सैलरी उठा के देख ली जाए तो इतना पैसा नहीं आता। ये बताएं कितना पैसा इनके पास कैसे आया है, कैसे इन्होंने ऑब्लाइज किया है, कैसे इन्होंने जनरेट किया, कैसे पैसा बनाया है, ताकि जनता को वो पॉलिसी भी पता चल जाए और आने वाले 10-20 सालों में एक दो पीढ़ी सेवा करके जनता लाखों रूप हजारों से लाखों से करोड़ों और हजारों करोड़ों कमा सके, तो ताकि देश की गरीबी मिट जाए। केवल ये पॉलिसी नेताओं के पास होनी चाहिए, जनता के उसको अधिकार नहीं है कोई। ये बताइए, तो ये जितनी बातें आपने बताई काफी सुनने में अच्छी भी लगी कि रोजगार होना चाहिए, गरीबी मिटनी चाहिए, लेकिन वर्तमान की राजनीति में आप कौन सा ऐसा चेहरा देखते जो ये सारे काम कर सकता है? देखिए, कोई एक व्यक्ति पर अगर आप भरोसा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, बसपा से बहन मायावती जी हैं, भाजपा से नरेंद्र मोदी जी हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी, उनकी टीम जो है, किसी एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं है। ये जितनी जिम्मेदारी है एक लोकतंत्र में एक पार्टी की होती है, और पार्टी वही पार्टी कर पाए। देश का प्रधानमंत्री तो कोई एक ही व्यक्ति होगा, बिल्कुल एक व्यक्ति करेगा। उस एक व्यक्ति के रूप में आप किसको देखते हैं? देखिए, उस व्यक्ति में लोकतंत्र है, ये जनता को अपनी राय देने का अधिकार है। 100% मोहर लगा के अंधभक्त बनने का मेरा काम नहीं है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री ये बनेगा, नहीं वो बनेगा, ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टियों में कोई तो एक ऐसी पार्टी होगी जिसके प्रति आपका रुझान होगा कि हाँ, इस पार्टी से कैंडिडेट नहीं हूँ, वो आदमी मैं उस पार्टी का समर्थन करता हूँ, वो पार्टी राष्ट्र के जनता के राष्ट्र और राष्ट्र हित में काम करेगी, जो देश के युवाओं के रोजगार देने की बात करेगी, रोजगार देगी। ये नहीं कि हम 72,000 रुपये आपको देंगे साल का, बीक में देंगे, ये नहीं कि 2 करोड़ रोजगार साल में देंगे और दिया किसी को कुछ नहीं। ये सब जुमले हैं, इन सबको भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पार्टी देश के युवाओं को रोजगार देगी, जो पार्टी किसानों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, जिससे उनका पालन पोषण, उनके परिवार का पालन पोषण और उनका काम ठीक से चल सके, आज़ादी के इतने वो सही है। आज़ादी के इतने साल बाद भी, पहले तो सत्ता में कांग्रेस रही, हाँ, तो तब भी वही जस की तस स्थिति थी, हाँ, मगर जब ये आपका देखते वर्तमान में सरकार बदली, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जब पहले की सरकार थी अब की, हाँ, सरकार थी, तो दोनों में कौन बेहतर काम कर पाया? देखिए, मैं 55 सालों का इतिहास जो एक शब्द में कहूँगा, मोर वर्क मोर मिस्टेक, और 5 सालों का इतिहास एक शब्द कहूँगा, नो वर्क नो मिस्टेक। अच्छा, तो आपको लगता है कि सरकार में कोई काम ही नहीं, काम ही मत कीजिए, कोई गलती नहीं होगी तो उंगली आपको उठाई नहीं जाएगी। आप 2017 के बाद से बीजेपी का काम बता दीजिए हमको, वो ये काम बताइए जिसने उन्हें केवल रोजगार देने की बात बताइए। हम ईटा पूर्वा एक्सप्रेस वे बताने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, आप हमको डेटा के साथ बताइए किसको कितना रोजगार दिया गया उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में। लेकिन हमारे जो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, कहते हैं स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, आप खुद से अपना काम करिए। स्टार्टअप इंडिया में बताइए वो क्या करेंगे, पकौड़े तलने को बताएंगे? स्टार्टअप इंडिया एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें ये रोजगार होता है, स्टार्टअप इंडिया। अगर पकौड़े ही तलना होता लोगों को, तो भाई आपको प्रधानमंत्री क्यों बनाता? क्या वो 2014 के पहले जो है पकौड़े तलने से किसी ने मना कर रखा था?
कि आप 2014 से पहले किसी को पकौड़े नहीं तल सकते हैं, मना तो नहीं किया था ना। इसी चीज से उभरने के लिए यही चीज लोगों को ना करनी पड़े, लोग अपने रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बनाए, इसीलिए जनता ने आपको भरोसा करके 14 में आपको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आप वही कर रहे पकौड़े तलिए, पकौड़े तलने के लिए आपको प्रधानमंत्री कोई ने बनाया है भाई। लोग अपने आप हमको रोजगार दीजिए, उसके लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है। युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सम्मान मिले, इसके लिए लोगों ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, पकौड़े तलने के लिए नहीं बनाया है। नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र और आप देख रहे हैं लाइव 24 इंडिया न्यूज। सर आपका नाम क्या है? जयलाल जी। सर आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इसको देखकर आप क्या कहेंगे कि क्या कौन सी सरकार जनता चुनेगी? अब तो सरकार तो हमका लागत दिया मुख्य सरकार आएगी जी, इसे और कोई सरकार चलाने वाला नहीं है, कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है आप बताइए, कोई हमको नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री। अच्छा ये बताइए, जो महागठबंधन है सपा और बसपा का और कांग्रेस अपना अलग से जो है दावेदारी पेश कर रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, कभी कोई टक्कर दे पाएगी बीजेपी को ये महागठबंधन? ये बहुत कूड़े में चले गए अभी, अब कुल मिला करके ये गठबंधन किंतु इनकी 2-4 सीटें और कम हो जाएगी। अच्छा एक मेरा प्रश्न आपसे ये था कि जो राजनाथ अभी लखनऊ से अपना लोकसभा में नामांकन की कराया हुआ है और अभी शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी को भी उतारा गया है पूनम सिन्हा को, क्या वो टक्कर दे पाएंगी राजनाथ? इलाकों से नीचे रह जाए कहीं पर भी, कहीं पर नहीं, हमारे यहाँ से राजनाथ जहाँ से खड़े हैं जी लाखों से नीचे जाएंगे। देखिए एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं भाई, आप एक पक्षीय बात ना कीजिए। 55 साल में पहले हमारे पास सुई नहीं था, आज हमारे पास एरोप्लेन भी है। MiG-21 जो जिस तरह पाकिस्तान पर हमला किया गया वो कांग्रेस की देन है, भले से चाहे किसी स्थिति में हो, आपने किया अच्छी बात है किया, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने किया। आप क्या 14 में क्या लेके आए थे अपने घर से? लेके तो कोई नहीं आया था। देखिए वो क्या करें इनके सुनते, तो आपको क्या लगता है कि मतलब 5 साल में बीजेपी ने काफी काम करा हुआ है? या काम तो करा है ही है, आखिर आदमी को दिख रहा है ना, बाबा साहब क्या बनाया है, इतिहास देखा है, इतिहास देखा है, संविधान लिखा है, बाबा साहब का संविधान लिखा है, संविधान लिखा है इनका, ये नहीं। देखिए उसमें अलग बात है, इसमें क्या दिया है, सबसे बड़ा आप मुद्दों की बात कीजिए, देश की युवाओं के रोजगार देने की बात कीजिए, किसानों की जो मूलभूत समस्या है उसके निदान की बात कीजिए, सेना की सम्मान की बात कीजिए, लेकिन ये कहना कि आप ट्रिपल तलाक पे बात करते हो, हिंदू मुस्लिम पे बात करते हो, मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं करता। क्या मुद्दा? देश के युवाओं का रोजगार जो है किसी भी धर्म से क्या छोटा हो गया है? देश आज 80% देश में युवा बेरोजगार है, और अगर 20 साल बाद का आंकड़ा निकाला जाएगा तो आज के 70% युवा जो आज 80% है, 20 साल बाद वो बुजुर्ग हो जाएगा। अगर उसकी आज की रोजी रोटी नहीं चलेगी तो वो अपने परिवार की आने वाली पीढ़ी को कैसे पालेगा वो? तो देश की युवाओं के रोजगार की बात कीजिए, अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं देते हैं तो क्या कहते हैं, देश का युवा बेरोजगारी की क्या कहते हैं, बेरोजगारी की पराकाष्ठा के शिखर को पार कर चुका है। इस पे आप क्या कहते हैं, बेरोजगारी नहीं है देश में? बेरोजगारी और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम एक व्यक्ति को 72,000 रुपए साल का देंगे, ये कौन सी नीति है आप जो न्याय योजना के अंतर्गत लोगों को जो 72,000 दे के सालाना उनको पंगू बना रहे हैं? भाई आप उनको दे रहे हैं जो ना कमाता है खाता है, टैक्स 1 रुपया नहीं भरता, जबकि 72,000 रुपया उन लोगों का है जो टैक्स भरते हैं। इसीलिए इससे अच्छा हो कि 72,000 रुपए भीख में देने से अच्छा है कि 6,000 रुपए प्रतिमा का कोई काम दीजिए जिससे वो स्वावलंबन बने और अपने परिवार का संचालन कर सके, भीख ना दीजिए आप अपनी तरह। देखिए भैया, शिक्षित होना और साक्षर होना दो अलग अलग बात है, ये जो 72,000 देने की योजना है वो साक्षर रहिए केवल, शिक्षित मत रहिए। बीड़ी लेके अलग कर दो तो फिर कैमरे में आएगी। तो आप इस मुद्दे पे क्या कहेंगे, मतलब कि रोजगार दिया गया है कि नहीं दिया गया? अब रोजगार भैया दिन तो नहीं, मतलब कुछ तो सुविधाएं तो देखी है, तो गरीबों को कुछ तो सुविधाएं मिली है। तो आपके हिसाब से मतलब बीजेपी ज्यादा बेहतर थी है कि कौन? भाई हमारे हिसाब से ना जनता, गरीब जनता के लिए तो यह ज्यादा की नहीं, कौन? बीजेपी। अच्छा इन्होंने किया हुआ है, ये चीज बताइए, जो मोदी जी ने बोला था कि नोटबंदी के बाद जो है 15-15 लाख जो है सबके खाते में आ जाएंगे, अकाउंट में गरीब परिवारों के आ जाएंगे,
क्या आपको लगा कि आपके परिवार में या किसी रिश्तेदारों के यहाँ 15 लाख रुपए अकाउंट में आए हों, और जो अभी राहुल गांधी जी ने जो बोला था 72,000 रुपए सालाना मिलेगा, जो अभी भैया जी ने बात करी, 72,000 कहाँ से दे दिया है भैया? कोई वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 7200 रुपए, 72,000 रुपए साल का है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। जो आदमी नहीं कमाता है, जो मेहनत करके अपनी केवल रोजी रोटी चलाता है, जो देश के टैक्स में कोई भागीदार नहीं है, उसको आप 72,000 रुपए दिए, वो पैसा कहाँ से आएगा? जो आदमी कमा के टैक्स भर रहा है, उसके हिस्से का काट के आप उस आदमी को दे रहे हो, देश की जनता को पंगु बनाने का काम कर रहे हो, उनको लाचार बुद्धि से हीन बनाने का काम कर रहे हो। आप उनको 72,000 रुपए साल का भीख ना देकर कम से कम उनको 6,000 रुपए प्रति माह की कोई नौकरी दीजिए, ताकि वो अपना काम मेहनत से कर करे वो आगे बढ़े। 6,000 रुपए आप उसको प्रति माह दे देंगे तो आराम से कुर्सी पर बैठा रहेगा, का 6,000 सरकार तो दे ही रही है। जिस तरह पिछले 3 पीढ़ियों से आदमी पंचर साट रहा है, आने वाली 300 पीढ़ियों भी पंचर ही साटेंगी। इसीलिए देश की जनता को सोचना है कि उसे 72,000 रुपए साल का भीख लेना है, 6,000 रुपए प्रतिमाह की नौकरी लेके अपने आप को स्वावलंबन बनाना है और अपना भविष्य आगे बढ़ाना है, ठीक है? और आप महंगाई के मुद्दे में रोजगार की बात कीजिए हमेशा, चाहे कोई भी पार्टी हो, रोजगार की बात करें, देश के लोगों को रोजगार की बात करें। आप 6,000 रुपए का रोजगार दीजिए, लेकिन रोजगार दीजिए, भीख मत दीजिए, क्यों भैया? और एक चीज लोग कहते हैं, लोग पुलवामा हमला हुआ तो लोग कहते हैं कि लोग प्रश्न पूछ देते हैं तो लोग कहते हैं कि सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है। प्रश्न कोई गलत नहीं पूछा है किसी ने, आप बताइए, कश्मीर इतना संवेदनशील राज्य है जहाँ पर लोग सेना को जो है थप्पड़ मार देते हैं, जहाँ पर सेना, उनसे केवल इतना प्रश्न है, आप पूछ के बताइए बीजेपी पार्टी से कि 250 किलो RDX वो कार में कहाँ से आया, चेक पोस्टों पर चेकिंग क्यों नहीं हुई, केवल उसी बस को क्यों उड़ाया गया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, केवल सैनिकों को जो है एयरलाइंस की सुविधा जो दीनी थी वो रद्द कर दी गई और बस से भेजा गया, और केवल 5 गाड़ियों में से बीच वाले बस को क्यों उड़ाया गया जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, बाकी 4 गाड़ियाँ कैसे बच गई? अगर उड़ाया गया है तो क्या बस देख के उड़ाया गया है? किसी को भी उड़ाया सकता है। इसीलिए समझदारी से काम कीजिए, अपने विवेक का उपयोग करके राष्ट्र हित में वोट कीजिए, और वोट जरूर कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि जैसा कि वर्तमान में देखने को मिलता है कि जो राजनीतिक पार्टियां ये अभद्र टिप्पणियां करती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? एक दूसरे के ऊपर कुछ भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? जो सर हमको लग रहा है कि राष्ट्रीय इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये क्षेत्रीय इलेक्शन होता, जो राष्ट्रीय इलेक्शन लड़ता है तो उसी को तो वोट देना चाहिए, क्षेत्रीय को क्यों दो जो वहाँ तक पहुँच नहीं। आप इस पे क्या कहेंगे? अरे देखिए, ये बात दबे हुए शब्दों में बहुत अच्छी बात की है कि जो लोग 38 सीटों पर, 40 सीटों पर, 20 सीटों पर, 50 सीटों पर लड़ रहे हैं, वो अगर 50-50 सीटें जीत भी जाए तब भी गठबंधन बना के वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है जनता से कि वो हमेशा और हमेशा लोकतंत्र में लोकसभा के जब चुनाव हो तो राष्ट्रीय पार्टी को वोट दें, क्योंकि उनके पास बहुमत होगा, उनके पास डिसीजन लेने की क्षमता होगी, बेबाक कोई भी निर्णय ले सकते हैं। अगर किसी को 20 सीटें मिल गई, किसी को 50, किसी को 80, किसी को, तो ये सरकार नहीं चला पाएंगे। और इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है, अटल जी की सरकार देख लीजिए, 27 दलों की सरकार थी जिसे एक वोट सरकार नहीं चला पा रहे थे, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई, क्योंकि उसका मुख्य कारण यही था कि 27 दलों की मिलीजुली खिचड़ी गठबंधन की सरकार थी, निर्णय लेने में बहुत दिक्कत होती थी, और अगर गलती हुई तो इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और जनता फिर से जो अपने आप अपना सर फोड़ेगी। तो ये बताइए, आपको क्या लगता है, आप अपना जो भविष्य का प्रधानमंत्री हो किसको देखते हैं? अब इस समय सर पूरी बहुमत से नहीं सरकार उनकी थी, मोदी जी की। हाँ। अगर पूरी बहुमत से सरकार होगी, हाँ, तो अवश्य करके कार्य सब पूरे कर देंगे। अच्छा, तो ये अगर हम यही पूछें कि उन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे, ये तो सर कोर्ट में है तो कोर्ट से तो कोई मतलब नहीं, नेता से और कोर्ट से तो उन्होंने तो अपने चुनाव के घोषणा पत्र में भी बात डाल दी थी, कभी नहीं कहा 38 पन्ने के घोषणा। अच्छा, दूसरा नेता भले ने कहा, मोदी जी ने नहीं कहा। अगर दूसरी जगह होता जी, मतलब जहाँ पर मुसलमान ज्यादा होता वहाँ पे मस्जिद बन जाती है, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जो 14 में चुनावी घोषणा हुई उन्होंने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, आज तक क्यों नहीं बनाया, 5 साल में राम मंदिर क्यों नहीं बनाया? कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कर रहे हैं, अध्यादेश ला के आप बनाइए राम मंदिर, क्यों नहीं बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जो है निर्णय की इंतजार कर रहे हैं, अरे जब साहबानों का निर्णय पलट दिया सुप्रीम कोर्ट में अध्यादेश लाकर, तो राम मंदिर क्यों नहीं बनाते? इसीलिए जनता को गुमराह ना करें, और जो शख्स 92 से राम भगवान राम को तंबू में रख सकता है वो भविष्य को कहाँ रख, देश के भविष्य को कहाँ रखेगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए मैं जनता से निवेदन है कि अपने विवेक का उपयोग करके
अच्छे आदमी को वोट दूँ। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप राम मंदिर बनाइए ना बनाइए, लेकिन देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं को उनका सम्मान दीजिए, ये बात के सैनिकों का सम्मान दीजिए, किसानों को उनका जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति कीजिए, उनको अधिकार दीजिए, उनके अन्न का उचित उनको पैसा दीजिए। आज से 20 साल पहले जिस प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपए थी, आज 2000 रुपए है, लेकिन आज से 20 साल पहले गेहूं का दाम अगर 200 रुपए प्रति क्विंटल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1600 रुपए प्रति क्विंटल हुआ होगा, 2000 रुपए। तो सबसे और समय पर व्यवस्था कीजिए। लोग कहते हैं उज्ज्वला योजना दे दिया, अच्छी बात है, मैं तारीफ करता हूँ, लेकिन पहले भी तो देना चाहिए, उसमें संशोधन करके पहले भी दीजिए। आप उज्ज्वला योजना दिया, घर दिया, मैं तारीफ करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जवाब दीजिए कि देश को युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। 2 करोड़ प्रति वर्ष की बात हुई थी, 5 साल में 10 करोड़ रुपया 10 करोड़ रोजगार हुआ युवाओं को। मैं पूछना चाहता हूँ डेटा के साथ कि जो है 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। केवल ट्रिपल तलाक, गौ हत्या, हिंदू मुस्लिम पर बात क्यों नहीं होती है, महंगाई पर बात क्यों नहीं होती है, पेट्रोल में वृद्धि हुई क्यों नहीं बात होती है, रोजगार पर क्यों नहीं बात होती है, देश के राष्ट्रीय समस्याओं पर बात क्यों नहीं होती है। देखिए सर, ये बताइए मुझे कि जिस तरह से आज 24 सालों बाद बसपा और सपा के बीच जो है चुनावी समझौता हुआ है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? अरे ये गठबंधन सरकार चल नहीं पाएगी जी, कोई भी साझे की खेती नहीं हो पाती। पहले बताया जा रहा था कि दोनों ही पार्टियों के बीच दरार पड़ चुकी है। कितने दिन रहे हैं जी? अरे हमारे तो कुछ ही कम दिन रहे थे। और इस बार बताइए, अब तो बुआ ने हाथ भी मिला दिया भतीजे की तरफ, और उन्होंने भी बहुत ही सम्मानजनक जो है तरीके से हाथ मिलाया। ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं जी, और कुछ नहीं है। अच्छा, ये भी देखने को मिला, जैसे कि आज बता दें तो मुख्यमंत्री जो मायावती थी पूर्व मुख्यमंत्री, वो उन्होंने मुलायम के लिए वोट मांगे हैं, समर्थन किया है, इसके लिए आपका क्या कहना है? यह सब ये क्या बताया, राजनीति है सब